हेलो, मेरा नाम आशीष चौहान है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मैंने काफ़ी कुछ पता करके मेरे को पता चला कि मतलब जो अपनी लाइफ मैंने गौर करी कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, तब मुझे कहीं ना कहीं जाके समझ आया कि जो मैं अभी तक कर रहा था कि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। तो फिर थोड़ा मैंने ऑब्जर्व करा और फिर मैंने बचपन से अपना पैशन जो था कहीं ना कहीं मैंने दबा के रखा था, कुछ जिम्मेदारियों और किसी चीज़ों की वजह से और कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से। फिर उनसे उभर के मैंने फिर अब सोचा कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने ढूंढा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे यही पता चला कि यार कि बचपन से मैं एक्टिंग ही एक्टिंग करता रहा हूँ और जब भी मूवी देखता था तो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता था। मतलब मूवी अभी देख के आया हूँ तो 2 दिन 3 दिन तक मैं उस कैरेक्टर में ही रहता था। तो फिर अब बड़े होके जब कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि जो मैं कर रहा था, एक्चुअली मैं बिजनेस था, अच्छा सेटल्ड था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन सब कुछ जीरो हो गया। तो उस लॉकडाउन के दौरान जब मैंने अपनी लाइफ को दोबारा देखा और ऑब्जर्व करा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो जो मैं कर रहा हूँ कि ये तो फ्लो के साथ बहते बहते मैं आ गया, पर एक्चुअली जो मुझे करना था वो ये नहीं था। तो फिर मुझे मिला कि यार जो करना था वो तो एक्टिंग है, कि शुरू से एक्टर ही बनना चाहता था। तो फिर मैंने ढूंढा कि मुझे कहाँ मतलब अच्छा एक्टिंग कोर्स कहाँ करने को मिल सकता है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को एक तो NSD मिला, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं थी, उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई थी। और फिर मेरे को पता चला, मैंने कहा मुंबई में भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो क्रिएटिंग कैरेक्टर्स का ही मैंने जो सुन रखा था फिर उसके बारे में रिसर्च करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आजकल के हिसाब से जो ऑनगोइंग जो सिनेमा है उसे जो समझ के जो पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक दो पास आउट्स हैं जिनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को जिस तरह से उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया तो मेरे को लगा कि हाँ आजकल का जो सिनेमा है वो कुछ इस टाइप का ही है और मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो फिर बहुत सोच समझ के और ये मैंने डिसीजन लिया, फिर मैं देहरादून से मुंबई आ गया और ये मेरी फर्स्ट विजिट थी मुंबई में। और फिर मैंने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स ज्वाइन करा एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रेनिंग। तो मगर ये जो 5 महीने मेरे यहाँ बीते हैं कोर्स के दौरान, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार एक्टिंग तो मुझे आती है कहीं ना कहीं, मगर एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर कहीं मैं ऑडिशन देने जाऊँ या कुछ, की कहीं ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है। तो सिर्फ मेरे माइंड में उतना ही था कि मुझे एक सर्टिफिकेट लेना है, तो इसके लिए 5 मंथ्स का कोर्स है कि कर लिया जाए, तो ऐसा भी था। और बट यहाँ पे जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ और डे बाय डे मुझे जो जो चीज़ें सीखने को मिली और जो एक्टिंग के जो नए पहलू और सिनेमा वर्ल्ड के जो नए पहलू मैंने देखे, तो मैं काफ़ी कुछ एनरिच्ड हो गया हूँ। जितना मैं पहले सोचता था मेरी सोच भी मतलब काफ़ी इवॉल्व हो गई। और दूसरा, यहाँ जो जो फैकल्टीज हैं और जिस लेवल पे वो सिखाते हैं, तो ऐसा कभी फील ही नहीं आया कि मुझे मतलब कोई टीचर टीच कर रहा है। बहुत फ्रेंडली, मतलब जैसे एक दोस्त दोस्त को समझाता है और पढ़ाता है, उस तरह से यहाँ एटमॉस्फेयर रहा और काफ़ी अच्छा फील करा मैंने और बहुत कुछ सीखा है। और अब वही आगे दिखाने का अब टाइम स्टार्ट हो गया है क्योंकि कोर्स मेरा खत्म हो गया है। मगर इस बीच अपार्ट फ्रॉम फैकल्टीज, जो यहाँ का स्टाफ है और जो कैंटीन है, फूड है, मतलब बहुत अच्छा रहा, सब कुछ याद आएगा। मगर बीइंग अ स्टूडेंट तो अभी जर्नी खत्म हो गई, मगर यहाँ से जो रिलेशन बना है, जो स्टार्ट हुई है, वो लाइफ टाइम रहेगी। मतलब लॉन्ग लास्ट है वो, टिल दी एंड। और बस यही है कि यहाँ से जितना सीखा है और जो ब्लेसिंग्स मिली हैं तो उन्हीं को साथ लेकर अब इंडस्ट्री में बस चलते जाना है और चलते जाना है, चलते जाना है, आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। थैंक यू। रूम एक्टर्स।